गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आप लोग सीधे सुबह मिल रही हूँ। कल तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, आज भी नहीं लग रहा था, बट आज से रात्रि है, आज सैटरडे है। और देखो यहाँ पे भी सो रहा है, हस्बैंड फूल वगैरह लेने गए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9, और इतने में देखो मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है ना, बाहर भी साफ कर लिया है। और अभी जाना है मुझे भगवान जी की मंजी वगैरह करना है। तो चलिए फिर देखते हैं आपसे कब मिलते हैं। अभी चाय वाय नहीं पी है, पहले पूजा पाठ कर लें फिर उसके बाद चाय पियेंगे। और उपास तो नहीं है, पर सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना अभिषेक वगैरह करेंगे घर में शंकर जी बना के। तो बाहर मिट्टी कल लेकर आए थे। चलिए एक तक चार्ज में लगा दो, फिर आपसे मिलते हैं। तो मन आज वैसे भी मेरा परेशान था, एक्चुअली कल से ही था, पर अभी आज शिवरात्रि थी, मुझे लगा कि अपने मन को शांत रखना है और मुझे आगे अपना काम करना है। तो यहाँ पे बस मैं क्या करूँगी कि भगवान जी को आज मैंने मतलब हमें पहले ही मंजनी वगैरह कर दी थी, सुबह कर दी थी, और जब नहाने के बाद कुछ वीडियो शूट किया, कुछ नहीं किया। आज आप लोगों से एक बड़ी बात और बताना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आप लोगों से जिक्र भी करूँ। एक्चुअली कल जब मैंने आप लोग को बताया जो मेरा आज ही वीडियो गया था, मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है तो मैं बता दूँ कि जो हमारे डॉक्टर थे ना, मतलब जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा था जिन्होंने, उन्होंने कहा था कि तुमको लास्ट में प्रॉब्लम होगी और इन सब चीज़ों से बच के रहना है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी भी हो, तुमको इधर आना है। फिर भी मुझे लगता है कि शायद मैं लापरवाही कर रही हूँ। और कल फिर मैंने प्राइवेट वाली मैडम को फ़ोन लगाया था, वो तो कभी भी हमसे बात कर लेते हैं। मैं सोच रही थी प्राइवेट ना दिखाऊं, पर कल बात किया तो अचानक उन्होंने यही बोला कि हमने पहले ही कहा था, क्योंकि कुछ कंडीशन को देख के, कुछ प्रेगनेंसी कंडीशन को देख के हम बता सकते हैं। और यही मैंने आप लोगों से बातें छुपाई थी, समझ में नहीं आया था कि बताऊँ कि नहीं बताऊँ। पर फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो आरती, जब सब कुछ बताती हो तो तुम्हें बताना चाहिए। और तो जैसे कि कोई भी तकलीफ़ मुझे तो ऐसी नहीं है, पर नीचे पेट के हिस्से में दर्द है, जो कि दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला दर्द नहीं आना चाहिए। तभी फिर यार ठीक हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह हॉस्पिटल मतलब कल जब रात को पेन हुआ था परसों, तो कल की सुबह गई थी दिखाने, तो उन्होंने कोई सा इंजेक्शन बोला, अब वो मुझे नहीं पता कौन सा इंजेक्शन, तो वो कल ही बताएंगी डॉक्टर। एक बार और मुझे बुलाया है, बोले कल आ जाना, मतलब मंडे को आ जाना या फिर उसके दूसरे तीसरे दिन आ जाना। तो अभी एक ही इंजेक्शन लगाया था, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा डर लग रहा है ना। और ऐसा नहीं है कि ये किस वजह से मेरे साथ हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, पर उन्होंने हिंट किया था और ये भी कह रहे थे कि बीपी को लेके भी तुमको बहुत ज़्यादा सतर्क में रहना है। खैर मैंने आपको बीपी का तो हिंट कर दिया था, तो इंजेक्शन जब से उन्होंने लगाया थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और मंडे को और जाना है, क्योंकि अब सैटरडे और संडे पड़ गया, तो ये अच्छा हुआ कि मैं उनके पास चली गई थी, और वजह से ही मुझे पेन और सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। पर हिम्मत नहीं हारूंगी मैं, और देखेंगे क्या बोलते हैं और हमारे डॉक्टर। तो खैर यहाँ पे आज मैंने जल्दी ही काम कर लिया था, तो ये क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना था और मैंने कहा काम कर ही लेती हूँ मैं, फिर वापस से देखती हूँ क्या कर पाती हूँ क्या नहीं कर पाती हूँ। सुदेव यहाँ पे खेल रहा था, आज वो स्कूल नहीं गया है। और मेरे कुछ कपड़े जो कि मैंने वहाँ पे टंगा दिए थे, कुछ यहाँ पे टंगा दूँगी। और काम वगैरह तो मेरा हो गया था, तो अचानक से दर्द उठा था ना, इस वजह से मैंने आप लोगों से बताया था। थोड़ी मोड़ी तकलीफ़ होती है तो मैं खुद भी आपसे नहीं बताती हूँ, ना ही किसी से इसका जिक्र करती हूँ। पर कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर लास्ट टाइम आपको कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, तो वो आप लोग आपको नहीं छुपानी है। मैंने भी ऐसी यूट्यूब वीडियो देखी, खासकर मेरी प्राइवेट वाली मैडम ने मुझे हिंट किया था। गवर्नमेंट में तो ऐसा उन्होंने नहीं बताया था, पर प्राइवेट वाली मैडम ने शुरू में ही मुझे बताया था, जब मेरा ये अमीनों का टेस्ट वगैरह लिखा था ना, तभी बताया था कि 7 मंथ के बाद तुमको ऐसा अपना ख्याल रखना है। पर फिर उसके बाद मैं वहाँ गई नहीं डॉक्टर के यहाँ, और मुझे फिर इस कंडीशन में लगा कि आप लोगों से मुझे इसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सारी बातें बताई है तो शायद आप लोग सॉल्यूशन दे देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि लास्ट टाइम क्या किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। वैसे भोले शंकर पर मुझे पूरा भरोसा है। तो अभी हमारा मतलब कि सारा काम हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया,
और सुबह उपवास था ना, तो मतलब उपवास तो नहीं, आप लोग नाराज मत होइएगा, बस अभिषेक करना है, तो मैंने सभी साबुदाना खा लिया है। और साबुदाना खाने के बाद अभी अभिषेक करने के बाद फिर खाना खा लूँगी, वो भी 1 बजे तक, क्योंकि कहते हैं 12 के बाद ही अभिषेक वगैरह होता है, नीचे की पूजा तो हो गई है और वो मतलब शंकर जी की पूजा ऐसा अभिषेक कर लिया, और मैं सोच रही हूँ कि मिट्टी के शंकर जी बनाऊँगी, तो वो 12-1 के बाद ही पूजा होती है उनकी। तो अभी साबुदाना जो है भरपेट खा लिया है, चाय पी ली है, सिटी की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो एक तरफ खाना बना रही हूँ, एक तरफ काम भी करते जा रही हूँ। और आज इन्होंने भी जल्दी नहा लिया गर्म पानी से, मतलब ऐसे तो नहीं नहाते, 2-3 दिन में नहाते हैं, पर आज बोले कि आज मैं नहाऊँगा। और वो भी फास्ट रहते थे, पर अब उनकी मेडिसिन चलती है तो अब ठीक है, भगवान तो वैसे भी सब कुछ जानते ही है। अब देव को नहलाना बाकी, तो अब जाऊँगी देव को नहलाऊँगी, थोड़ा गोली बोली खाऊँगी उसके बाद। चलिए देखते हैं फिर कब मिलते हैं आपसे। और मैं ये बात अभी इसलिए बता रही हूँ, और अभी सेकंड वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि जो दिन में वीडियो डाला था, आप लोग के 1-2 कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, आरती तुमको प्रॉब्लम क्यों हो रही, किस वजह से हो रही, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वैसे ये तो सब नॉर्मल है, पर मेरा नॉर्मल वाला पेन नहीं था एक्चुअली, वो अलग ही पेन था, है ना, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने उतनी टाइम उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने दूसरे दिन बुलाया कि आपको आना है तो आना है, मैंने कहा चलो यार दिखा देते हैं एक बार। और उनको ज़्यादा, उनको पहले से ही पता होता है, जो गायनोलॉजिस्ट मैडम रहती हैं ना, जो प्राइवेट की देखती हैं, वो पहले से हमसे अच्छे तरीके से जानती हैं, तो उनके कहे अनुसार ही मैं चल रही हूँ अब। और 1-2 बार ही और उनको दिखाना, उन्होंने बोला कि अभी तो मंडे को दिखाना, उसके बाद फिर मतलब थोड़ा रुक के और दिखा देना, तो इस तरीके से दिखाती रहूँगी उनको, तो मेरा भी जो है कि समझ जाऊंगी मैं। और मैं इसी महीने जो उनके पास नहीं गई थी, बाकी मैं हर महीने जा रही थी उनके पास, मुझे लगा अब सब कुछ ठीक है, पहले जैसे ठीक है, ठीक हो रहा है, काम भी ठीक से कर रही हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत भी दर्द होता था ना, जैसे मैंने मतलब मेरी सास को बताई थी काम करने की वजह से, या आप लोगों ने बताया काम कर जैसे कभी बैक पेन हो जाता है, आराम करो, तो मुझे वैसा वाला दर्द होता था, मैंने आप लोगों से भी जिक्र कभी नहीं किया, इतने मंथ में थोड़ा बोड़ा हुआ होगा, मैंने कभी नहीं किया, ठीक है, पर अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ से मेरी किडनी रिमूव की गई थी, अभी मुझे वहाँ पे ना खुजलाहट टाइप की हो रही है, क्या पता शायद भिंडी खाई थी इस वजह से, या फिर पता नहीं। देखिए मैं आप लोगों से सीधे अभी 2 बजे मिल रही हूँ, और जा रही हूँ मैं शंकर जी बनाने, और मेरी यहाँ पे देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है, ये तो अभी साड़ी वगैरह चेंज कर ली है, और कोई भी मिली बस पहन ली सीधे परले साड़ी, तो मैं जा रही हूँ शंकर जी बनाने, और यहाँ पे गोबर नहीं मिला तो हल्दी के गणेश जी बनाए हैं, तो चलिए हम बनाते हैं शंकर जी। अरे ये हमारे शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह का टाइम है, सुबह यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेंगे, मन को रिलैक्स मिलेगा, और पहले खाना बना लेते हैं हम, क्योंकि साथ में खाना ही बनाते जाऊँगी और काम करती रहूँगी तो वो हो जाएगा, वरना फिर एक चीज़ में ही लगी रहूँगी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बस मैंने सीधे पल्ले से साड़ी पहनी हुई थी, ऐसा मुझे दर्द तकलीफ़ नहीं हुई, पर उनने बताया था ना वो बात मुझे याद आई, मैंने कहा चलो आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या मुझे अब प्राइवेट भी कंटिन्यू दिखाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के भरोसे ही रहना चाहिए, तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलूँ यार, अभी समझ में नहीं आ रहा है, खैर जो होगा देखी जाएगी आगे। अच्छा आज तो मेरा फास्ट नहीं है वैसे, पर यह है कि मैंने सुबह साबुदाना खा लिया था, और अभी पूजा पाठ करने के लिए 2-4 पूरी इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि भोग प्रसाद इसी को चढ़ा देंगे और इसी को हम खा लेंगे। अपने हस्बैंड के लिए मैंने आज दलिया दाल सब कुछ मिक्स करके और पतली पतली उनको खिचड़ी बना के दी थी, तो उनको भी मतलब कि ऐसा हैवी प्रोटीन ऐसा कुछ खाना नहीं देना है, तो मैंने कहा अपने लिए हम अचार और ये खा लेंगे, पूड़ी खा लेंगे जो मिर्च का अचार रखा है, और इनके लिए तो ये पूड़ी खाते ही नहीं है वैसे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा दलिया ही बना देती हूँ, वो रोटी का भी कम कर जाएगा और साथ में इसका भी। और इस टाइम भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा था, क्योंकि अब से उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया तब से नहीं हो रहा था, पर वो कह रहे थे कि आपको 2-3 दिन
बाद और आना है। अगर आप फिर से मेरा स्किप कर दोगे फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मत कहना, क्योंकि हर किसी का एक अपना रिस्क होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनका दिखाने का ही फीस 500 है। तो मैं बता दूँ कि बताना नहीं चाहती थी पर छुपा भी तो नहीं सकती थी ना, क्योंकि बाद में अगर फिर आप लोग जिक्र करूँगी आप लोग मुझ पर ही गुस्सा करोगे कि आरती पहले नहीं बताया अभी आप बता रही हो, आप हर बार ऐसे ही करती हो। एक्चुअली मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहती कि क्यों मैं आपको परेशान करूँ, किस लिए परेशान करूँ थोड़ी छोटी छोटी बातों में, पर अभी शायद बात मुझे लगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादा हो जाए फिर बताऊँ तो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक का था, और यही बोलूँगी भोले शंकर भगवान सब कुछ ठीक करना, क्योंकि ये जो मेरे 2 महीने कैसे भी करके निकल जाएं, जब आपने मेरे इतने अच्छे 7 महीने निकाले हैं, 2 महीने और निकल जाएं मैं रिलैक्स फुल रहूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर किसी लेडीज़ को, हर किसी वूमेन को डर लगता है, उसको यही लगता है कि मैं भी स्वस्थ रहूँ, मेरा होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। पर यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि यह किडनी जहाँ से रिमूव की वहाँ खुजलाहट हो रही, क्योंकि आज तक मुझे कभी भी खुजलाहट नहीं हुई, सही बताऊँ, जहाँ से किडनी निकाली गई है 2-3 दिन से हो रहा है ऐसा, पर जब से भिंडी का ही जब से और हो रहा है। तो ये बोल रहे थे, वैसे डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया इसके बारे में, बोले वो तो कॉमन सी बात है कि अगर आप कुछ ऐसा खाओगे अगर तो आपको खुजली होगी, बट मैंने कहा मैंने इसके पहले भी खाया बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बोले देखो अभी तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी में तुम्हारा रिमूव हुआ है किडनी, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो 2-3 महीने ही होती है लास्ट टाइम। मैंने कहा सही बात है, उनकी बात मुझे माननी चाहिए। अब देखते हैं, एक ट्यूब भी दिया उन्होंने लगाने के लिए, जब आपको खुजली हो तो आप वहाँ पे लगा लेना। वैसे बोला अगर पूरे जैसे हमारे पूरे पेट में खुजली होती है ना, तो वैसी वाली मुझे नहीं हो रही है, सिर्फ उतनी ही जगह हो रही है, तो ये टेंशन वाली बात है। और अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं स्थिर नहीं हूँ, मतलब मुझे पेन हो ही रहा है, कभी थोड़ा होता है कभी बंद हो जाता है। तो थोड़ा बूढ़ा वाला तो ठीक है बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर जब ज़्यादा वाला होता है ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे कल, देखते हैं, कल का भी वादा नहीं कर सकती कि कल मैं आप लोगों को भी ब्लॉग शेयर कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर यह है कि आज मुझे आप लोग को बताना था, क्योंकि आप लोग की अच्छी अच्छी ब्लेसिंग रहेगी मेरे साथ तो सब कुछ ठीक होगा, बस मेरे 2 महीने जैसे तैसे अच्छे से डिलीवरी हो जाए बस, और टेंशन थोड़ा सा जो है वो ख़त्म हो जाए। बातें बहुत सारी कर ली, थोड़ी 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 करके बहुत सारी कर ली। बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।